बच्चों को किस पर छोड़ के जा रही हो? अम्मा मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। आप ना दवाई टान पे खाया करें प्लीज। तो क्या दवाई खाने से बच्चे हो जाएंगी? दिल की बातों में देखिए रमजान स्पेशल सीरियल रफ्ता रफ्ता, हफ्ता और इतवार रात 8 बजे। तो इस पिस्तौल में एक ही गोली बची है, यानी कि अब तू बच नहीं सकता। अब अपना ख्याल अपने दिल में लेकर यहां से चले जाना। सामने से मारने की तो हिम्मत नहीं है तुझमें, पीछे से वार करने की जुर्रत मत करना। ये ले पिस्तौल, रख अपनी खोपड़ी पर और चला गोली, पकड़। नहीं है ना हिम्मत, पता था मुझे, पता था। तू फिक्र मत कर, माफ किया मैंने इसे, क्योंकि तेरी बेटी ने इसकी जिंदगी मांगी थी। अभी उसकी अमानत है, लेकिन इसे एक बात समझा देना, मेरी बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना अमानत में खयानत भी हो सकती है। चल बिहारी, अश्विन क्या हुआ, इधर क्यों खड़ी हो? अरे क्या हुआ मुझे बताओ, सब सब ठीक तो है ना? अम्मा के घर जाना। हाँ तो मैं ले जाऊंगा अम्मा के। सुबह ही जाने, सुबह अम्मा आएंगी ना नाश्ता लेके, तो बस उसके बाद मैं ले जाऊंगा। तो मैं हुआ क्या बताओ तो सही मुझे। जो ख्वाब आते हैं रिस्वान, बचपन में भी और फिर देर से भागे, फिर से मैं ले चलूंगा।
खड़ा क्या कर रहा है? बिहारी जी, उस गाड़ी में जा। पिस्तौल पास होने से बंदा बच जाता है क्या? लेकिन ये यकीन रहता है कि मारने वाला भी मरेगा। तूने दुआ का रुख जिंदगी से मौत की तरफ मोड़ दिया तो यकीन आ गया तेरे साथ ही मरूंगा। काश मेरे इश्क पे भी तुझे इतना ही यकीन होता। अता बख्शाती की तरफ चलेगी? तेरे बोलने में आज हुक्म नहीं लगता। इजाजत मांग रहा है मुझसे। वो लोग अभी तक नहीं आए। और तुम्हारी अम्मी भी चली गई हैं, जरा भी नहीं डरी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो डर गया ना वो मर गया। नमाज पढ़ लो, वक्त निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम खान जी। वालेकुम सलाम। अता बख्शाती है यहाँ? उसने कहाँ जाना है, पक्का डेरा है उसका। हाफिज़। ये भी अब दुआ देती है अता बख्श, मगर जिंदगी की नहीं। गुलायत दुआ दुआ होती है, चाहे जिंदगी के लिए हो या जिंदगी भर के लिए। ये जानती है मुझे इससे ज्यादा अजीज कोई नहीं है। बस वो जब जरूरतें
बहाना बनने लगे तो फिर वफाओं की कस्में नहीं दिया करते गुलायत। क्यों समझा, मैंने ठीक कहा ना? मुझे क्या पता लाले, मैं तो रजा में ही कजा हो रही हूं। एक उस मालिक की रजा है, दूसरा बस अदा का ख्याल रखो, रजा का रास्ता खुद ही बनता चला जाएगा। मुझे वारिस चाहिए अदा बख्श, जो मेरे बाद सरदार बनेगा। ये बात ही अच्छी तरह जानती है, मगर मानती नहीं। यही कहना चाहते हो? कितनी आसानी से समझ गया तू मेरी बात। अभी मुसाफिर का सफर शुरू भी नहीं हुआ गुलायात, और तूने पहले से दस्तखान सजा लिया। ये तो उसकी देन है। वो कब किसे और कैसे देता है वो ही जानता है। आइए आइए अम्मा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप कैसी? थैंक यू। आप ठीक है? अगर हम इकट्ठे रह रहे होते तो भी मैं अपनी बहू को मेहंदी का रंग उतरने तक किचन में ना जाने देती। अलग रह रहे तो भी रस्म रिवाज तो पूरे करने हैं ना। मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लाई हूं। अम्मा दरअसल ना हम लोग अश्विन के घर जा रहे थे, बस अभी निकल ही रहे थे। आप नाश्ता ले आई हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ रख दें, हम वापस आके खा लेंगे। और बर्तन तो मैं साथ। कोई बात नहीं, इट्स ओके रिजवान, हम बाद में भी जाते। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मुझे लगता है कहीं जाना जरूरी है, जाओ। मैं छोड़ जाती हूँ नाश्ता। नहीं आंटी, कोई बात नहीं है, हम चले जाएंगे बाद में। आप इतने प्यार से नाश्ता लेकर आई हैं, ऐसा कैसा हो सकता है आपके बगैर नाश्ता कर लें हम? कैसे छोड़ जाएंगे, नाश्ता तो हम सब एक साथ करेंगे, और मैं तो आपके हाथ से खाऊंगी बस। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। किचन से बर्तन ले आए? मैं हाँ मैं बर्तन ले आता हूँ। रिजवान कैबिनेट में बाउल रखे वो लाजमी लेकर आइएगा। कहाँ ढूंढू इसको, आसमान खा गया है, जमीन निकल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, उस दिन वो जो दोनों जुड़ के बैठे हुए थे, कहीं वो मियां बीवी तो नहीं, फराज, अच्छा सोचो, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। तो ढूंढू कहाँ इसको, मैं कहाँ ढूंढू, कहाँ गई? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ?
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ आओ अंदर आ जाओ आ जाओ। अश्विन बैठो तुम इधर और बिठाओ उसको भी। मैं तुम्हारे अब्बा को बुला के लाती हूँ। बैठो। अरे भाई तैयारी नहीं हुई, 12 बज रहे हैं, कब जाएंगे? जिसको लेने के लिए जाना था ना वो खुद आ गई है। खुद आ गई है? हाँ आ गई है खुद। दामाद जी भी साथ हैं, काफी परेशान लग रही है। तुमने पूछा नहीं? क्या पूछती? अश्विनी के सब खैरियत है, क्यों परेशान है? क्या मुसीबत है, ये कान में नहीं डल रहा। तुम मैं डाल देता हूँ ना। कमबख्त मारा, क्यों नहीं कान में डल रहा? जल्दी करो भाई, ये खुद ही डालो, हमसे नहीं होते क्या? आके ना ये जो सारी तफ्तीश मुझसे कर रहे हो खुद कर लो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो हम आने वाले थे कि तुम आ गई, सब खैरियत तो है ना? जी जी अब्बा सब खैरियत है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अम्मा से कुछ बात करनी थी। हाँ तो कर लो। वो भाई वो बात करना चाह रही है तो तुम सुन लो, जाके सुन लो। जाओ बेटा जाओ। बैठ मेरे पास, मुंह से फूट। क्या मम्मा पहले वादा करें डांटेंगी नहीं? अच्छा डांटना मत प्लीज, मैं जानती हूँ मैंने हमेशा गलती की है आपकी बात ना मानकर। लेकिन मम्मा वही हुआ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। तू मेरी बात सुनती ना तेरा बाप। अच्छा ना बस आखिरी गलती समझ के माफ कर। अरे माफी की गुंजाइश कहाँ से निकल आती है? शादी कर ले तुम, उठा के चली आई। ये तो यहाँ बेटी हूँ मैं इस घर की। तो बेटी है ना, कभी भी आ सकती हूँ। बहू नहीं है तू इस घर की, तो किसी और घर की बहू है। मुकलावा वाले दिन वालदेन आते हैं मुकलावा लेकर, और तू खुद से चली आई। तुझे पता है कितनी बड़ी बच्चगुनी है ये? ख्वाब आ रहे थे मुझे फिर से वही वाले। परेशान हो गए थे रिस्वान भी, उन्होंने ही कहा था कि मैं आपके पास आ जाऊं और इस बात को डिस्कस कर लूं, आप इनकी सुनती नहीं। ओ मेरे खुदाया, तुझे मना किया था ना नक्श ना उतार, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। कह रही थी कोई मसला नहीं होगा, देख नतीजा। अच्छा चल किचन में चल मेरे साथ। किचन में? तो हिंदी लगी है ना अम्मा, ये देखे सुबह रिजवान की अम्मी आई थी, ने हाथ से मेरे लिए नाश्ता लेकर। उन्होंने कहा था कि जब तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं उतरेगी मेरी बहू किचन में नहीं जाएगी। बेटा जी आपका ससुराल है, यहाँ आप बेटी हैं, चलो मेरे साथ किचन में कुछ अच्छा सा पका कर दामाद जी को खिलाते हैं, उसकी परेशानी दूर करें, फिर तुझे बाबा जी के पास लेकर जाना है मैंने। चल उतारती हूँ मैं तेरी मेहंदी, उठ। और सुनो बेटा कितनी छुट्टी है ऑफिस से?
जी अंकल, वो एक्चुअली ना एक हफ्ते की छुट्टी ली थी मैंने भी और अश्विन ने भी, लेकिन अब लेकिन अब क्या बेटा? अब कुछ नहीं अंकल, वो बस एक प्रोजेक्ट असाइन हो गया है तो उसके लिए दो दिन बाद ही बुला लिया। अंकल आप ठीक है ना? सब खैरियत है? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। वक्त तो यही है, सड़क भी यही है, बिल्डिंग भी यही है, चोर चोर जो एक सेकेंड एक सेकेंड तो पीछे हटो पीछे हटो, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, यहां किधर घुस रहा है? जा जा। ले अस्मा, सामान ले आया तेरा मैं। अरे वासु, तीन चीजें तो लिखना भूल ही गई, एक इमली आलू बखारा और कड़ी पत्ता, लेकिन मुझे याद था मैं ले आया। बस भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं भी। चलो मुझे तो याद रहती है ना तेरी वो बातें तेरी वो अदाएं। लो रिजवान भी आ गया। अरे रिजवान, अश्विन नहीं आई? अम्मा वो अपनी अम्मा के साथ गई है, शाम को जाके ले आऊंगा उसे। देखा, अभी तक उस लड़की ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और वो मकलावे की रस्म का भी ख्याल नहीं किया, और एक हमारी औलाद नकम भी, अरे अलग घर के ले दिया और वो भी छोटा सा, अरे कैसे रह लेता उस घर में तू? है समझाया था मैंने भी इसे, अगर अब खुश है ना वहां पे तो बस ठीक है। कैसे समझेगा, हर वक्त तो अपनी बीवी के पल्लू से बता रहता है, अरे ऐसा क्यों नहीं करता? अरे मैं तो कहता हूँ वो मकान छोड़ यहीं आ जा, जो किराया वहां देता है ना वो यहां देना शुरू कर दे। सुन लिया अम्मा आपने, सुबह को जो सवाल पूछा था मिल गया उसका जवाब आपको। जानता हूं कि ये घर बड़ा है लेकिन लगता है कि लोगों के दिल में जगह नहीं। देख लिया कैसे बात कर रहा है बाप से। अच्छा बस भी कर देना, जो बात होनी नहीं है उस पे बहस करने की क्या जरूरत है। रिजवान ये तो बताओ कि अश्विन गई कहाँ है? अम्मा वो कोई छोटा सा मसला हो गया था तो अपनी अम्मा के साथ पीर बाबा के पास गई। अरे तू भी देख ले, ऐसी बीबियां होती हैं जो शौहरों को तवीज धागे करा के अपने हाथों में रखती हैं। अरे पहले भी तवीज पलाए होंगे ना, तभी माँ बाप का घर छोड़ गया। अरे क्या हो गया अब, बाकी गलत सोच रहे हैं आप। देखा अभी तक तवीजों का असर है इस पर, तभी तो बाप की सोच को गलत कह रहा है। अरे कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ हाँ उसकी बात तो सुन ले आप, इसी की वकालत करेगा ना वो। अच्छा बता बता ना क्यों गई है पीर के पास? अरे क्यों गई? अम्मा अश्विन को ना बचपन से बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, बेचारी डर जाती है, वो सहम जाती है, उसी के इलाज के लिए किसी पीर के पास गई है।
हाँ, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अरे देखा आप, समझा बात को, जिन भूत का साया है उस पे, तभी तो उन्होंने मकान वाली छत खत्म कर दी। हाँ तो ठीक है ना, इस घर में रहने से बेहतर है बंदा जिनों के साये में रहे। बाजू पर कर, इसे भी बांधी। हाँ हाँ बाजू पर कर, दाएं हाथ पर बांधूंगी ना, बाबा जी ने खास ताकीद की। और मेरी बात सुन, बहुत एहतियात से, अच्छा किसी को पता न चले। तूने ना उतारना नहीं है इसको कभी भी, ये ना रात को सोने से पहले बेहतियाती में उतार के रखते कहीं पे और घूम जाए ये नक्श। आप अच्छा बस थोड़ा सबर, आराम से ही कर रही हूँ, इसकी हिफाजत करनी तूने, ठीक है? और अगर उतारो ना पाक जगह पे से रख देना, वैसे छुपा के रख, ठीक है? इंशाल्लाह बेहतर होगा। ज्यादा टाइट तूने? नहीं सही है, ठीक है। एक बात पूछो। अब बात पूछने के लिए भी इजाजत देनी पड़ेगी आपको। बात तुम्हारे दिल की है ना? और दिल किसका? मेरा। तो फिर जो कुछ दिल में है जान लो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने अपने हमारी फ्यूचर के लिए कुछ प्लान किया है? अश्विन, शादी की तीसरी रात, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे साथ हो, जिंदगी गुजारने के लिए इतनी मोहब्बत काफी है। नहीं काफी नहीं है ना, देखो अम्मा ने कहा था कि अगर जिंदगी गुजारनी है तो उसको प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जितनी सी इनकम है ना, हम उसमें सरवाइव नहीं कर सकेंगे। यार हद करती हो तुम, मैं इतना रोमांटिक हो रहा हूं और तुम अम्मा की बात कर रही हो, वो भी प्लानिंग की। हम ये वाली बात किसी और रात को नहीं कर सकते? क्यों, अभी क्यों नहीं? भूख लग रही है। अभी तो आपने कहा था कि जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत काफी है। हाँ लेकिन भूख भी तो जिंदगी का हिस्सा ही है ना। किचन में अंडे रखे, मैं जाके बना लो। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम नहीं बनाओगी? क्यों भाई? मेरी सासू माँ का हुक्म था कि जब तक मेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतरेगी मैं किचन में कदम नहीं रखूंगी, तो मैं तो नहीं जा रही किचन में भाई, नाफरमानी हो जाएगी। अच्छा यानी कि अंडे मैं बनाऊं? क्या बच्चे अंडे बनाते हैं, प्याज डाल के, टमाटर डाल के, हरी मिर्च डाल के, मजे के। और आप खाने आ जाएंगे? हाँ मैं आपको कंपनी दे दूंगी खाने में। झांसी खुदा भी कोई चीज होता है, पता है तुम्हें? पता है पता है, ये पूछना था अपनी अम्मा से। नहीं कोई हेल्प करवाऊं? तो ये लीजिए जनाब, शेफ रिजवान की तरफ से ब्रेकफास्ट। चलो चलो शाबाश खाओ। क्या अब पापा ने ये भी कहा था कि अपने हाथ से नहीं खाना? ये मेरे दिल ने कहा है। तुम भी ना। चलो क्या याद रखोगे, मस्त पड़ा था। हाँ क्या अच्छा नहीं बना यार, इतनी मेहनत से बनाया था। बहुत अच्छा बना है, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना अच्छा अंडा बनाने आता है। वाह भाई अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, गुड ऑमलेट। इतनी सी ख्वाहिश है बस कि हम दोनों हमेशा खुश रहें इंशाल्लाह।
लेकिन ख्वाहिशें इतनी सी खुशी पे आके नहीं रुक सकती, हमें आगे और भी बहुत कुछ करना है। जरूर। मीठे वाला कुछ भी खा लो, गुड ऑमलेट। मैं सिर्फ ऑमलेट बनाना आता मुझे। नहीं, चाय भी बहुत अच्छी बना लेते हो। खाना मैं सिखा दूंगी, गुजारा हो सकता है मेरा। रिजवान, मैं ना हमारी संडे प्लान कर रही हूँ, तो जो पहला संडे होगा ना उसमें हम बाहर जाएंगे, ठीक है? खूब घूमेंगे। पहला संडे ही क्यों? सैलरी आएगी ना। नहीं नहीं। अच्छा, और जो दूसरा संडे होगा वो तुम्हारे अम्मा अब्बा की तरफ, और जो तीसरा संडे होगा वो मेरे अम्मा अब्बा की तरफ, क्योंकि पहले वाले संडे में बहुत खर्चा हो जाएगा ना, तो फिर हम यहाँ मैनेज कर लेंगे, ठीक है? ओके। और चौथा संडे? ओ, चौथा संडे तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तुम लड़कियां हमेशा आधी प्लानिंग क्यों करती हो? क्या अधूरी प्लानिंग की है मैंने? अब कोई और है भी तो नहीं ना, चौथा संडे किसके घर जाएंगे? अच्छा, तुम्हारा घर नहीं है? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, हमारा घर भी तो है। हमारा घर हमारी जन्नत, इसे हमेशा याद रखना। यहाँ की चार दीवारी में हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े होंगे। बच्चों का तो मैंने सोचा भी नहीं। तो जनाब जरा सोचिए, बहुत कोशिश की, दिन रात की तलाश के बावजूद नहीं मिली। लगते नसीब में नहीं, लेकिन अब शादी तो करनी, कोई और ढूंढ लेता। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारे, कोशिश जारी। जी जी, ठीक ठीक ठीक। घर की चाबी रख लेना। हाँ। ओए, मेरी बात सुनो। क्या? शादी के बाद ऑफिस में हमारा पहला दिन है। तो क्या कोई नसीहत वगैरह करनी है? नसीहत नहीं, बस एक बात कहनी है। क्या? आज से मैं तुम्हारा और तुम मेरा नसीब बनकर जा रहे हैं।
बेगम जी, अब मेरा तुम्हारा कुछ नहीं, जो भी है हम दोनों का है। फिर भी याद रखना, मैं हमारी नसीब पर हमारे प्यार की गिरा लगा रही हूं। और अगर ये गिरा लगाना भूल गई कभी तो? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। चले? हाँ, चले। अच्छा सुनो, चलो चलो, घर की चाबी रखना मत भूलना। सही है, टिफिन रखे? ओ नहीं, मेरे पास है, मैं बाइक निकाल रहा हूँ, पहुंचो। शादी मुबारक रिजवान। हाँ, पार्टी तो बनती है ना भाई। क्या परेशान नहीं हो, वो पार्टी हम दे रहे हैं, तुम नहीं। इसी बहाने तुम्हारी लाइफ पार्टनर से भी मिल लेंगे। जी क्यों नहीं। तो चले। इसको भी काम पर लगा। सारी बैठने नहीं आई है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।